हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं नीतीश कुमार ने जो बोला है बिहार का सर्वे रिपोर्ट के ऊपर, जो बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, और मोदी जी का जवाब नीतीश को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। 2011 की जनगणना में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या आप देख लीजिए, 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या तो 11 में हुआ था, उसमें निकला था 18.46%। 2041 में निकला, जब सर्वे किया हुआ था, सर्वे नहीं मतलब उसमें जो जनगणना होता था, जाति आधारित नहीं जनरल, तो उसमें रिपोर्ट था 6 साल से कम उम्र के लोगों का कितना था जनसंख्या, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, 18.46%। पूरे का राज्य में, पूरे का आपका जो भी है, तो उसमें 18.46% था। और अब जितना हम लोगों ने शुरू कराया है पढ़ाई का, याद करिए ना, कह रहे थे कि लड़की भी पढ़ लेगी तो ये जो सुनिए ना, अरे 4.3 था, सुनिए ना भाई, छोड़िए ना, वो तो सबके परिवार में ही तो है, 9 गो छोड़ो ना, उसे क्या हुआ। अरे हम तो शुरू कराए, अरे अब घट रहा, सुनो ना एक बार, और सुनिए ना, सुन बात हम कर, वो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हो जाएगा, यही को देख करके जो हमने तय करवाया, तय सुने ना बात, सुनो, सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे, तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो, करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। हम लोग हैं पीछे हंस रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था, सुन 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए, अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए जरा जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है, कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा, जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा, ये बड़ी खुशी की बात है ना, तो ये हम लोग करा दिए। नीतीश कुमार के विवादित बयान पर पीएम मोदी ने हमला बोला है, नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है। विधानसभा में माता बहनों का अपमान किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि नीतीश को शर्म नहीं आती है। विधानसभा में शर्म इंसान का बयान दिया है, नीतीश कुमार ने माताओं बहनों का अपमान किया। नीतीश के विवादित बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला, नीतीश को शर्म नहीं आती है। जिस सभा में माताएं बहने भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की, बिल्कुल कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं,
इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। विधानसभा में माता बहनों का अपमान किया नीतीश कुमार ने। नीतीश को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा हमला, विपक्षी गठबंधन के नेता चुप क्यों हैं? जो नीतीश कुमार ने बयान दिया उस पर पीएम ने सवाल पूछे। पेट पे कैसे हाथ फेरता जा रहा है, देखा चीपो। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहन उसकी सोच ही गंदी है। वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? घटिया आदमी है तो बहुत ही घटिया, पता नहीं क्या करता है। आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, बिल्कुल। कितने नीचे गिरोगे, बिल्कुल। और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो, बिल्कुल। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। डिस्गस्टिंग था बंदा। इससे एक्चुअल में दिखता है नीतीश कुमार की सोच एक्चुअल में कितनी गंदी है। पढ़ा लिखा है नहीं है, अनपढ़ गवार होगा, उसकी सोच भी ऐसी है। वो जिस तरह से जब ये बातें कर रहा था उसकी एक्सप्रेशंस, उसके हाव भाव, उसके मुंह पे वो गंदी घटिया मुस्कान और पेट के ऊपर बार बार हाथ फेरना, उससे दिखता है कि ये आदमी खुद ही गंदा है। पता नहीं कितने कुकर्म किए हैं उसने अपनी जिंदगी में। इसको बनाया हुआ है बिहार का। ऐसे लीडर्स होंगे तो ये बयान नीचे जाएगा, देख लो ना कैसे लीडर इतने यूजलेस हैं तो आपका स्टेट कैसे ऊपर जाएगा। दैट इज द रीजन कि लोगों ने ढंग से अपने लीडर्स चूज नहीं किए, या जो भी सामने आते हैं वो सारे गड़बड़ लीडर्स हैं। गड़बड़ लीडर्स हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अच्छे कहाँ से लाएं। जो भी आ रहा है वो सब बकवास है। ये तो बंदा बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे मूवियों में दिखाते हैं ना, बहुत ही गंदे नीच पॉलिटिशियंस जिनके गुंडे होते हैं, औरतों को उठा लेना, उस टाइप की हरकतें करना। इसकी भाषा से, बंदे की भाषा, इसको तो रिस्पेक्ट देने का मन ही नहीं करता। आप सारे सब लोगों के सामने बड़ी इस टाइप की भाषा यूज कर रहे हो, कोई शर्म ही नहीं आई तुमको? हैं, तुम पढ़ाई लिखाई लड़कियों को करा रहे हो और उसके साथ क्या कनेक्ट कर रहे हो? ये मैं तो सोच के मुझे इतना वो हो रहा है, इसको तो उसी टाइम इसको तो निकाल देना चाहिए। मतलब पॉलिटिशियन जो है, जैसे होता है ना कि अगर आप किसी जॉब को करो तो उसको निकाल दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, ऐसे होना चाहिए कि इनको, इसको पॉलिटिशियन निकाल देना चाहिए कि भैया तू तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, जो भी इसकी पोजिशन है सब हटा लो, इसके बाद तू कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। ऐसे घटिया लोग यार, तो लोगों को देखना बिहार के कि उसको ना माय गॉड, बंदे की सोच इतनी घटिया, इतनी घटिया भाई, कोई सोच भी नहीं सकता। वो इतना यूज्ड टू था इन चीजों के कि उसको ये भी नहीं लगा कि ये बात ठीक नहीं है। एग्जैक्टली, वो ये ऐसे ऐसी बातें करता है अपनी लाइफ में, उसके लिए आम चीज है, उसे यही नहीं पता चला कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इतना यूज्ड टू था इन चीजों के कि उसको पता नहीं चला कि ये बात ठीक नहीं है बोलनी। ये सोच है ये असलियत है इनकी, आई ये आज दिखा इनका। और अगले बंदे की उम्र देख लो भाई, उम्र भी देखो, और एक ही चीज को बार बार 36 बार रिपीट कर रहा है। हाँ, खटिया कोई इतना जबरदस्त, कोई ब्रेनी आदमी होता है एक बार बोलते आगे बढ़ जाता है, एक ही बार को 6-6 बार रिपीट, एक ही बात को। चिप्पड़ इंसान भैया, ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आप क्यों बोल रहे थे देखने को, मैं पता नहीं क्या बात है, अनफॉर्चुनेट है। और ये हमारे देश चलाएंगे, ये हमारे देश को लोग चलाएंगे। जो पढ़े लिखे लोगों को वोट दे तो ज्यादा बेटर होगा। माय गॉड, और ये बंदा कब से यहाँ बिहार में, कब से पॉलिटिशियन बना हुआ है, देख लो क्या हो रहा है वहाँ पे। बेचारी औरतें लड़कियां जो होंगी वो कितनी अनसेफ है वहाँ। वो एक दिन पहले वीडियो दिखा था जिसमें बैंगलोर दिखा रहे थे, कितना हैदराबाद दिखा रहे थे, कितना आगे जा चुका है, उन स्टेट्स को देखो। माय गॉड, नहीं गंदे लोगों को बनाओगे तो यही होना है भैया, सोच भी देख लो। डिस्गस्टिंग, इतनी हिम्मत थी इस बंदे की कि इसने सामने आके पब्लिक में सबके सामने इस टाइप की भाषा यूज़ की, और वो INDI वाले चुप बैठे हुए हैं। ये INDI है, इनको वोट देंगे लोग।
कुछ लोग थे उनके पीछे जो इतने खुश नहीं थे, कई थे मेरे को तो सभी हंसते हुए दिखे, कई लोग थे जो बड़े, जो पहले कई स्माइल सबके थी, बाद में सब थोड़े चुप हुए, पर सब पहले उस टाइम हंसे हैं बात सुनकर। उनके पीछे जो लोग खड़े थे उनमें से कई तो देवर अपसेट, नहीं मुझे तो कोई नहीं दिखा अपसेट भैया, बताना कोई दिखा, मुझे तो सबके मुंह पे स्माइल दिख रही थी, किसी ना किसी टाइम उसने स्माइल मारी है। तो चलो अभिषेक अगर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।